होगा, गुरु डोंगमार भी इन्होंने कर दिया, अपर मस्तान भी कर दिया। कौन सा बाइक पे? BMW S1000 आ रहा है। ओह माय गॉड, है गर्लफ्रेंड शादी कर ली? शादी हो गई है। बुरा लगे भाई, अफसोस अफसोस है। हेलो हेलो थैंक यू तो गाइस अभी सब साइलेंट मोड पे। गाइस पोपट हो गया दुर्गापुर आते ही बस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय अनदर वीडियो। सो कैसे आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे हो भाई, एंड इट्स रियली अ गुड मॉर्निंग। तो भाई एक दिन पहले ही दुर्गापुर आ चुके थे एंड रुके थे शहबाज के मतलब भाई के घर में। घर तो नहीं भाई, फाइव स्टार है एकदम, महल है गाइस, महल है। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई को, एंड भाई आंटी ने किया खाना खिलाया था कल, बहुत ही बढ़िया था भाई। तो गाइस कुछ तो करना होगा ना भाई, आया है ये वैसा कुछ बात नहीं, सीरियसली गाइस मतलब फाइव स्टार होटल भी नहीं, राजमहल है घर। तो भाई अभी कभी कहाँ पे जाना है? ग्राउंड पे जाना है, तो एकदम एकदम दुर्गापुर में मीटअप है। तो गाइस अभी जाएंगे, तो जहीर वहाँ पे चला गया है होटल में, तो जेएस फिल्म भी आया हुआ है, कल देखे उनको यार, मतलब बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत लोग का इंस्पिरेशन है। एकदम एकदम बहुत लोग का इंस्पिरेशन है। तो चलो गाइस, 97 ऑक्टेन का इवेंट है, तो बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों से मुलाकात होगा, बहुत सारा होगा, बहुत हम तो दिख कर आया तो इतना, चलो फिर चलो हो जाएगा। आई थिंक पिछले साल का वीडियो आप लोगों ने देखा था, तो अगर नहीं देखो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, चलो चेक कर लेना। तो चलो गाइस अभी फटाफट गियर अप होते हैं और निकलते हैं, और आपसे मिलते हैं एकदम मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। चलो गाइस रेडी हो चुके हैं, बस ग्लव्स पहन ले और बाइक को निकालते हैं, वार्म अप करना पड़ेगा भाई। दुर्गापुर में क्या ठंडा है, कल रात को आए, माय गॉड। वो देखो शहबाज भी बाइक निकाल रहा है, तो मेरा और शहबाज का मॉडल एक ही है भाई एकदम। तो गाइस ये टाइम बहुत साल बाद दुर्गापुर टाउनशिप में थे, क्योंकि बहुत छोटे उम्र में मौसी का घर है, तो तब मौसी के घर में आए थे, एंड अभी जैसे देख रहे हैं दुर्गापुर तो पूरा चेंज हो जगह है भाई लोग। तो गाइस पिछले साल का अगर आप लोग वीडियो देखे थे तो ज़रूर आप लोग जानते होंगे कि कितना क्राउड होता है भाई, क्या क्राउड रिस्पॉन्स था पिछले साल, और इस साल तो शायद और भी होने वाला है, क्योंकि XBHP का राइड हो रहा है भाई, XBHP एलोंग विद जेएस पाजी, तो होपफुली बहुत क्राउड होगा, तो देखते हैं। चलो तो जो ग्राउंड में इवेंट हुआ था पिछले साल उसी ग्राउंड में इस साल भी इवेंट है भाई, चल चल चल। ओ नहीं हुआ, हम लोग राइट साइड से जाएंगे ना, राइट साइड से जाएंगे। तो गाइस देखो एक ही मॉडल 2018 सेम टैंक पैड्स लगा हुआ है गाइस। भाई हम कल की आ गए थे, फोन नहीं किया, मैंने ना सोचा कि आप सर अभी थक गए होंगे। नहीं 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 भाई, ठीक है, कल रात को भी बहुत नींद आ रहा था इसलिए भाई कॉल नहीं किया। चल यो भाई, भाई ऑल द बीस्ट आर रोडिंग, बाप रे बाप, ओ माय गॉड। तो गाइस ग्राउंड यहां से नजदीकी है, बस पहुंचने ही वाले हैं। Oh
हेलो 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 भाई हेलो हेलो थैंक यू भाई अच्छा अच्छा जी नेपाल गया था तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके तो या मतलब अभी बोल नहीं सकते इतना कह दिया बहुत है शादी अफसोस है तुमने पहले नहीं बताया नहीं तो मैं दो दुखड़े रो देता आपको दिल हल्का होता है ना लेकिन कुछ लोग यार अकेले खाते अभी भी प्रोग्राम चल रहा है एंड उधर हमारे बाइक्स पे फोटो सेशन चल रहा है भाई
तो चलो गाइस अभी निकलते हो, आधा घंटे में निकलेंगे यार, बहुत टायर्ड है गाइस और बात किया नहीं जा रहा है, एकदम कुछ खाना होगा, शाबाश भाई ने बोला है। तो चलो गाइस फिर से आप लोगों से मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलो गाइस, बाप रे यार, जेस पाजी के साथ भी मीटअप हो गया, बहुत अच्छा लगा, एंड अपना छोटा मोटा मीटअप भी हो गया। ओ भाई छोटे छोटे बाप रे गाइस, ओके 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 भाई घुमा मत घुमा मत। तो चलो गाइस निकलते हैं। ओ भाई साहब, ओ गाइस तो फाइनली निकल गए यहाँ से, बाप रे बाप गाइस, ये तो अच्छा है लेट से निकले, बहुत पहले नहीं निकले, नहीं तो भाई बहुत और भी क्राउड होता है। तो गाइस अभी थोड़ा आराम मिल रहा है, राहत मिल रहा है भाई बाइक चला के, वो बहुत ही मजा आया, व्हाट अ मीटअप इट वाज गाइस। 97 ऑक्टेन में यही होता है, बहुत मजा होता है, एंड आई लव यू दुर्गापुर, पिछले साल भी आए थे, बहुत प्यार मिला था और इस साल भी, यस सच्ची में। अभी जाएंगे लंच करने, भाई भूख बहुत लगा है, तो देखते हैं बिरयानी खाएंगे, भाई बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो शाबाश को बोले कि भाई चलो किस रेस्टोरेंट में बिरयानी खाते। ओह गाइस साउंड ओ भाई साहब सीरियसली आज ना मतलब बात करने का एनर्जी भी नहीं मिल रहा है। ओए 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 गाइस खड्डा था भाई, कितना दूर है रे भाई बिरयानी का दुकान, बहुत भूख लगा है, पेट पे चूहे दौड़ रहे। ओए 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 राइट साइड जाना पड़ेगा, देखते ही आपरा दाढ़ी आछी यहाँ पे पुलिस आ चुका है, कुछ बोलना चाहते हो? यहाँ पर एक ऐसा तोप है, पुलिस पकड़ लिया गया, इसको पुलिस पकड़ लिया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, और सामने आपका तो गाइस अभी सब साइलेंट मोड पे, गाइस पोपट हो गया दुर्गापुर आते ही, बस पुलिस पहले मुझे पकड़ेगा लड़ाई के लिए, और जाहिर जाए आएगा और पुलिस नहीं आएगा, ये हो सकता है। सकता है, चलो कंटेंट मिल गया, बिहाइंड द सीन हो गया, तो गाइस आप लोगों ने ये तो वीडियो क्लिप्स देखा, सो ये जो लफड़ा लोचा हुआ था, सो इसके पिछले दिन हुआ था गाइस, तो एक्चुअली जिस दिन जेसपा जी और XBHP के सभी मेंबर्स, फुल XBHP टीम जब पहुंचे दुर्गापुर, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, मैं जही शहबाज और मालदा के सभी भाई लोग और कुछ भाई लोग थे दुर्गापुर के, तो वहाँ पे रुके हुए थे रिसीव करने के लिए, और भाई तब पुलिस वैन आके, मतलब पहले एक कांस्टेबल आया और एक सिविक वॉलंटियर आया, तो सिविक वॉलंटियर अच्छी तरह ही बात कर रहा था, वो तो बात को समझ रहा था, लेकिन भाई वो कांस्टेबल नहीं, तुम लोग यहाँ पे रेस कर रहे हो, मतलब गाइस एक बार सिर्फ साउंड सुना वो BMW S1000 RR का, मैं स्टार्ट किया था जस्ट, तो वो सोचने लगा, वो समझने लगा कि रेस हो रहा है यहाँ पे, तो कांस्टेबल बोलते रहा कि
नहीं तुम लोग रेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम लोग ने बोला कि बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप कल सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना, हम लोग कोई रेस नहीं कर रहे हैं। ओके यही बात है। बोल रहे नहीं, मैं पेट्रोलिंग वैन को बुला रहा हूँ, रेस कर रहे थे, तुम उन लोग को एक्सप्लेन करो, मतलब मेरे सीनियर से एक्सप्लेन करो। ओके फिर बात बाकी, वो पुलिस वैन पेट्रोलिंग वैन तो आया, आप लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने बातचीत किया, फिर दो तीन बंदे का नाम लिखा, तो मैंने भी अपना नाम लिखा, नेम एड्रेस पूछ रहा था, तो ठीक है रूटीन चेकअप में ये नेम एड्रेस फ़ोन नंबर कोई बात नहीं यार, कोई इशू नहीं, ये सब होते रहता है रूटीन, क्योंकि पुलिस का भी ड्यूटी होता है रूटीन चेकअप। लेकिन हम लोग समझा रहे यार, वो कांस्टेबल बार बार वही आर्ग्यूमेंट कर रहा था, नहीं तुम लोग रेस कर रहे थे, मुझे सर हम लोग रेस नहीं कर रहे थे, मतलब उन लोग को तो समझा भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल जो हो रहा है जितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाँ रोड सेफ्टी प्रोग्राम तो हो ही रहा है तो, लेकिन एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले वो ऑफिसर बता रहा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, बाइकर्स मतलब सुपर बाइक है तो मतलब रेस ही कर रहा है, तो ऐसा हो जाता है थिंकिंग। हम लोग का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोगों को अवॉयड करने के लिए, सेफ्टी के बारे में ज्यादा बताने के लिए हम भी थोड़ा बहुत स्पीड अप कर लेते हैं, लेकिन रोड समझ के। तो पब्लिक का तब यही थिंकिंग रहेगा कि सुपर बाइक है, रेस करता है, गियर्स पहन लिया, मतलब ये श्योरली आज रेस करेगा, तो ये थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते गाइस। हम लोग के हाथ में क्या है, हम खुद को चेंज कर सकते हैं, अगर पब्लिक का थिंकिंग या ये देख रहे हो पुलिस का थिंकिंग वैसे ही रहेगा। तो गाइस जो भी हो, आज का वीडियो यही तक था। तो गाइस अभी शहबाज के रूम पे हूँ भाई, एंड और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सो भाई ये 97 ऑक्टेट का जो प्रोग्राम, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ 97 ऑक्टेट एंड स्पेशली विशाल एंड सोईकत भाई, ये लोग बहुत मतलब बहुत हार्ड वर्क किए इन दोनों ने भाई, क्या बोले, मतलब इतना बड़ा क्राउड संभालने में बहुत दिक्कत हो जाता है इतना बड़ा इवेंट। सो विशाल एंड सोईकत भाई लव यू ऑल, लव यू एंड 97 ऑक्टेन लव यू। तो फिलहाल अभी शहबाज के घर में है भाई, कल निकल रहे हैं कोलकाता के लिए, और उसके बाद तीन चार दिन बाद मालदा जाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ओके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय, लव यू ऑल।